Hello students, I am Pooja from SETB Ding Road. In today's class, we are going to discuss word meaning and multiple choice question answers of lesson 7, The Invention of Vita Wonk. Vita Wonk ki khoj. Word meaning and similar word. ठीक है, similar word जो क्या है? इस word के meaning के बिल्कुल समान अर्थ का शब्द. तो फर्स्ट वर्ड क्या है? इन्वेंशन मीन्स आविष्कार, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? खोज. इसका सिमिलर वर्ड क्या है? इनोवेशन. सेकंड, सेट टू वर्क मीन्स काम करने के लिए तैयार, बिगिन टू वर्क. थर्ड, रेसिपी, जिसको बोलते हैं हम विधि, instructions for making something. Fir means devdar, a tree with needle like leaves and cones. ठीक है, एक tree होता है जिसकी जो leaves है, जिसकी जो पत्तियां हैं, बिल्कुल सुई के आकार की होती है और cones जैसी होती है, cone जैसी. ठीक है, next word है whiskers, जिसको क्या बोलते हैं? मूछें. और इसका similar word क्या है? मस्टैक. सिक्स है फ्ली मीन्स पिस्सू, ए स्मॉल इंसेक्ट लिविंग ऑन द स्किन ऑफ एनिमल्स फॉर देयर ब्लड. यानी कि जो कहाँ रहता है? एनिमल्स की स्किन पे रहता है. क्यों? उनका ब्लड चूसने के लिए. सेवेंथ वर्ड है ट्रैक्ड डाउन मीन्स खोज निकाला, फाउंड या फिर बाय सर्चिंग फॉर इट. एट्थ है वॉलंटियर मीन्स स्वयं सेवक, मीन्स जो अपनी मर्जी से क्या करना चाहते हैं? सेवा देना चाहते हैं. इनको हम लोग क्या बोलते हैं? अनकॉन्स्ट्रेंड. नाइन्थ है स्लोप्स मीन्स ढलानों, जिसका सिमिलर वर्ड क्या है? स्लैंट. लास्ट वर्ड पीक मीन्स शिखर, और हमें पता है शिखर का सिमिलर वर्ड क्या होता है? टॉप. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? वीटा वोंक मेक्स पीपल ग्रो, यानी कि जो वीटा वोंक जो ड्रिंक था, ठीक है, वो पीपल्स को किस में बदलता था? पेलर में, ऑप्शन बी ओल्डर, ऑप्शन सी यंगर, या ऑप्शन डी ब्राइटर. गुड, क्या होगा इसका आंसर? ओल्डर, यानी कि वो यंग को ओल्ड, यानी कि युवा को बुजुर्ग में चेंज करने वाला एक ड्रिंक था. नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड इज, यानी कि वर्ल्ड में जो सबसे ओल्डेस्ट लिविंग थिंग है, सबसे पुरानी कौन सी है वो? ऑप्शन ए डगलस फिर, ऑप्शन बी द ऑक, ऑप्शन सी ब्रिस्टल कोन पाइन, एंड ऑप्शन डी द कैडर. तो इसका आंसर क्या होगा? उनके अकॉर्डिंग कौन सा था सबसे ओल्डेस्ट? ब्रिस्टल कोन पाइन. तो यही हमारा क्या है राइट आंसर, ऑप्शन सी. स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मिस्टर वोंका टुक फ्रॉम ब्रिस्टल कोन पाइन, यानी कि ब्रिस्टल कोन पाइन का नाम का जो ट्री था, वहां से वो क्या लेके आए? ऑप्शन ए पिंट ऑफ साल्ट, ऑप्शन बी ए पिंट ऑफ सैप, ऑप्शन सी ए पिंच ऑफ सैप, ऑप्शन डी ए पिंच ऑफ साल्ट. तो क्या था इसका आंसर? ए पिंट ऑफ सैप. तो यही क्या है? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वोंका गोट फ्रॉम अरेबिया, यानी मिस्टर वोंका ने अरेबिया से क्या प्राप्त किया या क्या उनको मिला? ऑप्शन ए 51 ईयर ओल्ड हॉर्स, ऑप्शन बी 10 ईयर ओल्ड डॉग, ऑप्शन सी 100 ईयर ओल्ड डॉग, ऑप्शन डी वीटा वोंक. तो अरेबिया से हमें पता है 51 ईयर ओल्ड हॉर्स जो था उन्हें मिला था. तो ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर वोंका गॉट फ्रॉम तिब्बत. अब देखो, तिब्बत से उन्हें क्या मिला? ए मेडल, ऑप्शन ए मेडल, ऑप्शन बी 207 ईयर ओल्ड रैट, ऑप्शन सी 500 ईयर ओल्ड फ्लावर, ऑप्शन डी ए रेयर डॉग.
तो तिब्बत से क्या मिला था उन्हें, 207 ईयर ओल्ड रैट। बी ऑप्शन क्या है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनिकनेस ऑफ द ग्रेट ग्लास एलिवेटर इज दैट मिस्टर वोंका कैन, यानी कि देखो एक कांच का बना एलिवेटर था, लिफ्ट जैसा कुछ था, ठीक है, तो उसकी यूनिकनेस क्या थी। ऑप्शन ए ट्रैवल द वर्ल्ड, ऑप्शन बी सी थ्रो यानी उसमें से हम लोग देख सकते थे, ठीक है, ऑप्शन सी प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एनिमल्स यानी पशुओं से बचाता था, पशुओं से बचाने वाला था, या डिसअपियर, तो ऑप्शन क्या है ट्रैवल द वर्ल्ड, यानी कि देखो उसी की हेल्प से वो गए थे पूरे वर्ल्ड का ट्रैवल करने के लिए, और तरह तरह की चीजें वो इकट्ठी करके लेके आए थे अपना क्या बनाने के लिए, ड्रिंक बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यू रेसिपी ही इज सर्चिंग फॉर, ठीक है, कौन सी थी। ऑप्शन ए रेसिपी फॉर वोंका वीटा, ऑप्शन बी रेसिपी फॉर वीटा वोंक, ऑप्शन सी रेसिपी फॉर चॉकलेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो देखो हमें पता ही था कि इतनी सारी चीज़ें उन्होंने किसके लिए कलेक्ट की थी, रेसिपी के लिए, कौन सी, वीटा वोंक के लिए। सो स्टूडेंट्स, ये थे लेसन 7 के वर्ड मीनिंग और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। आप क्या करोगे, नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक में इनको राइट करोगे और साथ के साथ लर्न भी करोगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके क्वेश्चन आंसर जो कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ठीक है, और जो और क्वेश्चन आंसर्स है वो भी हम लोग कवर करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।